नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अगर आप क्लिक किए हैं देखने के लिए तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो जितने भी हमारे फैंटेसी के जितने भी पुराने, समझिए कि पुराने अगर खिलाड़ी होंगे तो वीडियो को समझ जाएंगे, लेकिन जो नए प्लेयर हैं, जो ड्रीम इलेवन या अदर कोई सा फैंटेसी ऐप खेलते हैं, तो उनके लिए तो और ज़्यादा फ़ायदे का है और उस समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा। और ये जो टिप्स है फ्रेंड, बहुत ही काम का टिप्स है, क्योंकि कोई सा भी फैंटेसी में रैंक वन अगर आपको आना है तो प्लेयर सिलेक्शन को लेकर के कुछ इस वीडियो में हम जो है कुछ कोडिंग बताने वाला है, कोड भाषा, क्योंकि कोड भाषा अगर आप यूज करेंगे तो उस सिर्फ कोडिंग भाषा से अगर आप चाहेंगे तो 11 के 11 प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक कोड होता है फ्रेंड, तो कोड जो है अपने माइंड के हिसाब से आप इस्तेमाल कीजिएगा, जो कि हम इस वीडियो में बताएंगे। और हो सकता है कहीं आपसे आपका माइंड उस दिन काम कर जाए और वो कोड भाषा जो है आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाए। तो इस वीडियो में मैं कोड बताने वाला हूँ प्लेयर सिलेक्शन के ऊपर। जैसे कि जितने भी हमारे ऐप्स में जो प्लेयर होते हैं जो दो तीन मैच खेल जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी जो मैच हो रहा है PSL हो रहा है, अब ये जो फ्रेंड टिप्स जो मैं बताने वाला हूँ, ये टिप्स आपको IPL समझिए, जो भी लीग है, प्रीमियर लीग जितने भी, वो सब में काम करेगा ज़्यादातर। ऊपर से आपका जो है मतलब कि इंटरनेशनल मैच, उसमें भी वर्क करने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा। आने वाले अभी फ्रेंड IPL 2022 आ रहा है और इसमें आप उपयोग कीजिएगा, हो सकता है कहीं आपका कोड के वजह से लग जाए। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं और समझिए। तो फ्रेंड मेरा जो पहला कोड है, एक कोड होता है, जैसे कि मान लीजिए हम स्टार बोलने वाले हैं, एक कोड भाषा हो गया स्टार। जैसे कि ड्रीम इलेवन टीम में एक DT लिखा हुआ है, ये DT लिखा हुआ है आपका, ये पीले कलर में होता है DT, ठीक है। यानी कि जो हमारा जो भी मैच ख़त्म होता है उसमें कोई प्लेयर अगर अच्छा प्रदर्शन करता है, अच्छा खेलता है, तो उसके ऊपर DT जो है ड्रीम इलेवन DT लगा देती है, यानी कि ड्रीम इलेवन टीम का प्लेयर है, यानी कि सबसे टॉप में इसका गिनती होता है। तो उसी के लेकर के हम ये कोड बताने वाले हैं। ये DT को हम अपने कोड भाषा में स्टार बोलते हैं। तो मेरा जो फ्रेंड एक पहला जो इसमें जो चार कोड है, चार से पाँच कोड है, पहला कोड आप समझिए। अभी हमारा ये स्क्रीन पे ये कोड आया हुआ है तो इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये DT दिख रहे हैं, यहाँ पे 43 DT और यहाँ पे 35 DT, तो हमारा कोड हो गया कि डबल स्टार। तो डबल स्टार समझिए, आप अगर पढ़े लिखे होंगे, मैथ यूज किए होंगे, तो उसमें सूत्र होता है, उस सूत्र के हिसाब से जो है बड़े से बड़े मैथ का जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। अगर पढ़े लिखे होंगे तो मैथ के बारे में समझते होंगे, सूत्र के हिसाब से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व होता है, सूत्र के हिसाब से ही वो जो है सॉल्व होता है, आप अपने दिमाग से नहीं कर सकते, वो सूत्र जो होता है आसानी से सॉल्व करता है। तो मेरा जो सूत्र है फ्रेंड, डबल स्टार इज इक्वल टू फेल। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, फेल का मतलब होता है कि वो प्लेयर जो है अगले मैच में प्रदर्शन नहीं करेगा, या DT टीम में या कोई सा फैंटेसी ऐप में वो नहीं आएगा। और ये जो डबल स्टार इज इक्वल टू फेल जो है, ये जो कारगर है फ्रेंड 100% नहीं बल्कि 80% है। मान लीजिए डबल स्टार इज इक्वल टू कोई प्लेयर फिर स्टार बन जाता है, यानी कि फिर वो DT टीम में आ जाता है, तो 80% है लगभग, 80% कम नहीं हुआ फ्रेंड, बहुत ज़्यादा हो गया 80%, समझिए उसका चांस ज़्यादा है। तो डबल स्टार इज इक्वल टू फेल, माने इसका मतलब हुआ कि जो प्लेयर लगातार दो बार DT टीम में आ गया, यानी कि दो बार आपको DT उसके ऊपर लग गया, उसके कॉलर के ऊपर या उसके प्रोफाइल के ऊपर, यानी उसका मतलब हुआ कि वो अगले मैच में वो फेल होने वाला है, ठीक है। इस प्लेयर का प्रदर्शन देखिए, फर्स्ट मैचों में इनको लिया लोग 40%, अगले मैच में इनको लिया है 70%, ठीक है, फर्स्ट मैच में इनको लिया है लोग 66%। तो मेरा जो कोड है फ्रेंड, डबल स्टार इज इक्वल टू फेल, पहला कोड आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारा अभी तो हमारे पास स्क्रीनशॉट जो है PSL का है, IPL का
भी आने वाला है उस पर यूज कीजिएगा। और फ्रेंड दूसरा जो मेरा कोड है, दूसरा जो कोड है फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, और वीडियो फ्रेंड लंबा हो सकता है तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, आपके काम का ही वीडियो है, ठीक है ना। आप नहीं देखेंगे वो अलग बात है, मेरा वीडियो का रैंक घट जाएगा, लेकिन हम अपना जो भी है डिटेल से बताएंगे, जो भी समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में डिटेल से। मेरा जो दूसरा कोड है फ्रेंड फेल स्टार फेल, दूसरा जो कोड है फ्रेंड फेल, यानी कि वो प्लेयर जो है फेल हो गया, अगले मैच में जो है वो DT टीम में आएगा, फिर अगले मैच में जो है वो फेल हो जाएगा, ये दूसरा कोडिंग है फेल स्टार बराबर फेल, ये दूसरा कोडिंग है फेल स्टार बराबर फेल, यानी कि आपको बहुत सारा जितने भी प्लेटफॉर्म पे प्लेयर हैं उनका एक कोडिंग है, उनके प्रदर्शन का कोडिंग होता है, या फिर समझ लीजिए कौन से मैच में किस हिसाब से, ये नहीं बताएंगे, लेकिन एक होता है कि वो पिछले मैच में फॉल ऑफ हो गए, अगले मैच में वो ज़रूर DT टीम में आएंगे, ठीक है, फिर अगले मैच में तीसरे मैच में वो फ्लॉप होंगे, इस तरह से उनके अंदर एक क्षमता होती है फ्लॉप होने की या प्रदर्शन करने की। तो मेरा जो दूसरा कोड हो गया फ्रेंड फेल स्टार फेल फिर स्टार, आप समझिएगा, यानी कि एक मैच में वो फेल हुए हैं, दूसरे मैच में वो प्रदर्शन करेंगे, तीसरे मैच में फेल होंगे और चौथे मैच में प्रदर्शन करेंगे, समझ गए, क्लियर है। यानी कि फर्स्ट मैच में फेल हो गए, दूसरे मैच में जो है प्रदर्शन करेंगे, दूसरे मैच में जैसे ये DT टीम में आए, फिर तीसरे मैच में फेल हो गए, फिर चौथे मैच में प्रदर्शन करिए, यानी फेल स्टार फेल फिर स्टार। चलिए ये क्लियर हो गया। अब दूसरा हम लेते हैं फ्रेंड, बहुत सारा हमारे पास स्क्रीनशॉट है, प्रूफ है, और ये फ्रेंड हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपके लिए ही बोल रहे हैं, हम सोचे कि आपको बता दे, क्या पता आपका उस दिन लग जाए, आप अपने हिसाब से टीम चुन ले। यहाँ पे फिर उसी कोड का ये प्लेयर है फ्रेंड, ये शुरुआत हुआ था फेल से, अभी उल्टा कोडिंग है, ये है स्टार बराबर फेल फिर स्टार बराबर फेल, आप समझ रहे हैं ना। समझ में नहीं आए फ्रेंड तो कमेंट कर दीजिएगा। फिर स्टार, ये तीसरा कोडिंग है, सेम उल्टा है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि स्टार फेल फिर स्टार फिर फेल, यानी कि प्रदर्शन किया फिर फेल हो गया, फिर अगले मैच में प्रदर्शन किया फिर फेल हो गया, फिर अगले मैच में प्रदर्शन करेगा, इस हिसाब से कुछ प्लेयर होते हैं, तो आप कोडिंग को समझ लीजिएगा। कोई ऐसा प्लेयर प्रदर्शन किया है, अगले मैच में फेल होगा, फिर अगले मैच में प्रदर्शन करेगा, फिर अगले मैच में फेल होगा, फिर अगले मैच में प्रदर्शन करेगा, इस हिसाब से। तो मेरा तीसरा कोडिंग समझ गए फ्रेंड। अब ये जो प्लेयर है फ्रेंड, एक खास फ्रेंड, ये जो ड्रीम इलेवन या कोई सा भी फैंटेसी ऐप अचानक मतलब कि ये तीसरे मैच में ये जो कोडिंग है फ्रेंड, पहले ये कोडिंग हमारा समझ लीजिए। मेरा जो कोडिंग है डबल फेल बराबर स्टार, ये फ्रेंड 100% वर्किंग करता है, ठीक है ना। और ऐसे अगर आप रिक्स लेंगे डबल फेल बराबर स्टार, इस तरह से रिक्स लेंगे तो उम्मीद है फ्रेंड IPL में आप जो है इस बार के IPL में या कोई सा भी प्रीमियर लीग में 1 करोड़ वाला में यूज करेंगे, तो तीसरे मैच में यूज करेंगे तो आप जो है अच्छे रैंक पे आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो प्लेयर है DVLE है, ठीक है, IBPSL में है, तो ये डबल दो बार फेल हो गए, यानी कि डबल फेल बराबर स्टार। फ्रेंड यहाँ पे समझिए, जैसे कि डबल फेल स्टार, अगर आपको कोई ऐसा प्लेयर लग रहा है कि वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लायक है और लगातार दो मैचों से वो फ्लॉप चल रहा है, ठीक, तो अगर आप चाहें तो उस प्लेयर को अगले मैच में, अगर आपको ऐसा कोई सा भी T20 हो या वनडे हो या कोई सा भी, तो अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो प्लेयर बहुत अच्छा था लेकिन ये फ्लॉप चल रहा है, अब वहाँ पे क्या होता है, उस प्लेयर का रैंक घटने लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले मैच में इनको लिया लोग 83% लोग,
यहाँ पे दूसरे मैच में घट गया 63, और तीसरे मैच में तो और घट गया यहाँ पे 40%। और जिसने इनको रख लिया होगा उसका रैंक बढ़ गया। प्लस में आप चाहे तो इन ऐसे ऐसे प्लेयर को वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये कोड हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं, ये प्लेयर यहाँ पे देखिए कुछ, यहाँ पे इनका जो फर्स्ट मैच में देखिए 33%, 59%, 56%, 30%। और ये कोई कोई ऐसे प्लेयर है फ्रेंड जो लगातार तीन मैच में फ्लॉप चलते हैं। ये कौन से मैच में होता है फ्रेंड, और वो अचानक कैप्टन बन जाते हैं। तो आपको ये ऐसे ऐसे प्लेयरों को भी चुन करके लिस्ट में नाम लिखना है कि कौन ऐसा प्लेयर है जो लगातार तीन मैचों से फ्लॉप चल रहा है, और वैसे प्लेयर को डायरेक्ट आप कैप्टन चूज कर लीजिए। अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे प्लेयर को डायरेक्ट कैप्टन बनाइए। अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए इनका कोडिंग देख लीजिए, इनका कोडिंग है फ्रेंड स्टार, इनका कोडिंग हो गया स्टार। जैसे पिछले मैच में ये परफॉर्म किए, फिर फेल, फिर स्टार, फिर फेल, फिर स्टार, ये शुरू वाला ही कोड इनके ऊपर लागू होता है फ्रेंड। तो इस तरह से अब दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये भी स्टार, फिर फेल, फिर स्टार, फिर फेल, इस तरह से सेम कोडिंग हो गया। तो इस हिसाब से बहुत सारे प्लेयर होते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो लगातार दो बार, ये देखिए इनके ऊपर लागू होता है, लगातार दो बार ये फ्लॉप हो गए, ठीक है, ये स्टार बन गए यानी कि डीटी टीम में आ गए। तो लगातार जो दो मैचों से फ्लॉप हो रहा है, और कोई कोई प्लेयर होता है लगातार परफॉर्मेंस करते रहता है, जैसे शुरू में ये फेल हो गए और उसके बाद इनका देखिए ये लगातार 4-5 मैचों से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कोई कोई प्लेयर जो है लगातार 4 मैचों में प्रदर्शन करता है, 5 में करता है, कोई कोई जो है 2 मैचों में के बाद फ्लॉप हो जाता है, कोई कोई नहीं 80% ऐसे प्लेयर है जो 2 मैचों के बाद फ्लॉप हो जाता है। यहाँ पे देखिए इनके ऊपर कोड लागू होता है स्टार, फिर फेल, फिर स्टार, ये कोड लागू होता है। यहाँ पे देखिए एम रिजवान, इनके ऊपर जो कोड लागू हुआ था PSL में, लगातार 2 बार ये प्रदर्शन में आए, और 2 बार के बाद तो आपको पता है कि 80% प्लेयर जो है फ्लॉप होते हैं लगातार 2 बार प्रदर्शन करने के बाद। उसमें से मात्र 30% 20% ऐसे प्लेयर है जो लगातार 2 बार प्रदर्शन करने के बाद तीसरे मैच में भी वो प्रदर्शन उनका जारी रहता है, मात्र 20 से 30% प्लेयर ऐसे हैं। ये लगातार 2 बार प्रदर्शन किए, लगातार 2 बार फ्लॉप हो गए। अब इनको जितने लोगों ने फ्लॉप, यहाँ पर देखिए 94% लोग, 89% यहाँ पर रैंक घटने लगा, और लगातार जो 2 बार फ्लॉप होता है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये प्लेयर लगातार 2 बार फ्लॉप हो गए, ठीक है। ऐसे प्लेयर ये कैप्टन के लिए दावेदार बैठते हैं हर मैच में, रिजवान, और वो उसके बाद लगातार 2 बार फ्लॉप हुए, तीसरे में कैप्टन बन गए। तो ऐसे होता है फ्रेंड, आपको बस चिन्हित करना है कौन ऐसा प्लेयर है जो कैप्टन के लायक है और लगातार 2 बार फ्लॉप चल रहा है, बस यही तो आपको ध्यान देना है। और उसके बाद फ्रेंड एक कोड लागू होता है कि स्टार, उसके बाद डबल फेल, समझ रहे हैं ना, यानी डबल फेल यानी 2 बार फेल, स्टार, डबल फेल, फिर उसके बाद स्टार, ये कोड हुआ फ्रेंड चौथा कोड, स्टार, डबल फेल, स्टार, ठीक है। ये कोड देखिए, इस कोड का ये प्लेयर है स्टार, डबल फेल, स्टार, कोड याद रख लीजिएगा, स्टार, फेल, स्टार कोड, एक कोड हो गया इसके पहले वाला। यहाँ पे देखिए इनके ऊपर कोड लागू होता है डबल स्टार आ गया, ये फ्लॉप हो गए, डबल फ्लॉप हो गए। तो डबल स्टार के बाद यानी डबल डीटी के बाद 80% प्लेयर को फ्लॉप होना ही है। यहाँ पे देखिए स्टार, डबल फेल, 2 बार फेल हो गए, ये 2 बार फेल हो गए, फिर स्टार, यानी कि कोई ऐसा प्लेयर अगर लगातार 2 बार फेल हो गया है 2 मैचों से, तो उससे आप रिक्स लीजिए, उसको रख लीजिए, आँख मुन करके रख लीजिए, मेरे कहने का यही मतलब है, स्टार, डबल फेल, स्टार, ये जो वाहब रियाज है, यानी कि 2 बार फेल होने के बाद उसका चांस रहता है प्रदर्शन। यहाँ पर देखिए स्टार, फेल, फिर स्टार। तो फ्रेंड ये रहा हमारा कोडिंग, यहाँ पे इनके ऊपर देखिए ये फेल, फिर फेल, फिर यहाँ पे स्टार, और मात्र 16% लोग इन्हें रखा हुआ है, और जो रखा होगा उसका रैंक पूरा बढ़ गया होगा। यानी कि 2 बार आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, कोई सा भी मैच अगर आप खेल रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2 बार फ्लॉप हो गए हैं,
तीसरे में उनको प्रदर्शन करना ही करना है। मात्र 10% ऐसे प्लेयर हैं जो लगातार दो बार फ्लॉप होते हैं और तीसरे में भी फ्लॉप होते हैं, ठीक है। और जो तीसरे में फ्लॉप होते हैं फिर चौथे में तो वो कैप्टन ही बनेंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए फेल, फिर स्टार, फिर फेल, फेल स्टार फेल उनके ऊपर लागू होता है। ये अकमल जी है, यहाँ पे फेल फिर स्टार। तो फ्रेंड ये रहा हमारा टिप्स जो आप जो है अपने सभी मैचों में उपयोग कीजिएगा। यहाँ पे एक और ले लेते हैं जेसन रॉय के ऊपर, ये दो बार ये प्रदर्शन किए, तीसरे में ये फेल हो गए, क्योंकि ये कोड होता है फ्रेंड, डबल स्टार बराबर फेल होता है, यानी कि 80% डबल स्टार बराबर फेल और 80% डबल फेल बराबर स्टार, ये दोनों कोड हो गया। 80% डबल फेल बराबर स्टार और डबल स्टार बराबर फेल, यहाँ पे देखिए स्टार फेल फिर स्टार, तो मिलते यहाँ पे एक बार और ले लेते हैं। ये देखिए ये डबल स्टार फिर फेल, लगातार तीन बार जो फेल होता है अगले मैचों में उसे आप चाहे तो वॉइस कैप्टन, यहाँ पे वॉइस कैप्टन बना सकते थे। ये अकमल को देख लीजिए, डबल स्टार आ गए टीम में, डबल डीटी आए फिर फेल हो गए। तो ये रहा मेरा फ्रेंड कोडिंग भाषा और कोडिंग प्लेयर सिलेक्शन के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इससे भी खतरनाक आएगा। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।